हेलो। हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी दादी की? दादी की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी एडमिट किया हुआ है, तो बस अभी हॉस्पिटल ही जा रही थी। तो एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाने से पहले मुझसे मिलो। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं मिले नहीं है। किसी कैफे में बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर तुम चली जाना। यासर तुम भी हद करते हो। घर में वैसी इतनी टेंशन चल रही है, उसके बावजूद भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे बाहर कहीं मिल लूं। अगर किसी ने देख लिया तो तो फिर एक काम करो, तुम मेरे फ्लैट आ जाओ। What? इसमें चीखने की क्या बात है? क्या तुमको मुझ पे ट्रस्ट नहीं? नहीं, ट्रस्ट तो है मुझे, पर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है ना। तुम किसी तरह मेरे फ्लैट आ जाओ, मैं तुम्हें वापसी में हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी इतने दिन हो गए हम नहीं मिले, प्लीज प्लीज आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पीनी होगी, ठीक है? श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बू ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, ऐसा मैंने क्या बोल दिया था? तो तू भी तो हद करती है ना, व्हील की तरह तेरी जबान भी ना चटर चटर चलती है। अरे थोड़ा आराम से नहीं बोल सकती थी क्या? मैंने क्या गलत किया? सही तो बोल रही थी, उन्होंने वादा किया था, अब मुकर गए तो मेरी क्या गलती है इसमें? अरे तू समझती क्यों नहीं है? अपनी दोस्तों को क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उनको? हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों की बात सुनी जाती है। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। अगर मेरी शादी बच्चों की तरह यतीमों और मिसकीनों की तरह होनी थी तो क्या फायदा मेरी शादी का, क्या फायदा मेरे माँ बाप का? शर्म कर, अपने माँ बाप के लिए क्या बोल रही है? बहुत अच्छा किया तेरे अब्बा ने, जो तेरे मुंह पे एक चमाटा दिया। मैं होती ना तो तेरी टांगे तोड़ जाती। शर्म नहीं आती कि बात करते हैं तुम्हें? तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। तो ये हैं तुम्हारी मामा, वैसे ये अभी कहाँ हैं? घर पर नहीं है? नहीं, ये यहाँ पर नहीं। क्या मतलब? यहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। शी इज नो मोर। व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुमने तो मुझसे हमेशा कहा था। झूठ बोला। लेकिन क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात सुन के लोग मुझसे हमदर्दी करें, और तुम्हें भी मैंने ये बात इसी वजह से नहीं बताई कि तुम मुझसे हमदर्दी करो। लेकिन यार से तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। अच्छा छोड़ो इस बात। वैसे तुम अपनी मामा को बहुत मिस करते हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? इस फ्लैट में इनकी इतनी सारी तस्वीरें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मामा को। और मिस भी करता हूँ, लेकिन जब उनको ज्यादा मिस करता हूँ तो उनकी लिखी हुई डायरी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं, मुझसे बातें कर रही हैं। यासर, इसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी मामा की डायरी है? प्लीज मुझे भी दिखाओ। अभी नहीं, वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। तुम अपनी मामा को याद करने के लिए डायरी क्यों पढ़ते हो? क्या ये सारी तस्वीरें काफी नहीं? ये तस्वीरें मैंने किसी और वजह से लगाई। वजह? किस वजह से? ये तस्वीरें मुझे मेरी माँ से किया हुआ वादा याद दिलाती हैं। कैसा वादा? वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। ओ यासर, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो, मामा मेरा वेट कर रही होंगी। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ।
वॉशरूम उस तरफ है। मम्मा आपसे किया हुआ प्रॉमिस मुझे याद है, आप पे हुए एक एक जुर्म का हिसाब मैं लूंगा। मैं मुताहिर खान को छोड़ूंगा नहीं मम्मा, उसकी इकलौती बेटी निदा से शादी करके मैं सारे बदले लूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मी जान, आपकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो बेटा अब मैं घर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल। मुताहिर बेटा कासिम को कह दो कि अब शादी सादगी से नहीं बल्कि वादे के मुताबिक पूरे धूमधाम से होगी। ठीक है अम्मी जान। ताहिर साहब फिर तो मेरा मशवरा ये है कि आप इनको यहीं रहने दें, क्योंकि ये घर जाके शादी के कामों में जो मसरूफ होंगे ना तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। अम्मी जान आप सुन रही हैं डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं? इनको तो बेटा मुझसे खुदा वास्ते का बैर हो गया, इनको बताए ना मेरी कितनी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है मगर आपकी सेहत से बढ़ के कोई भी चीज नहीं, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा घूमना फिरना और चक्कर लगाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मुताहिर साहब आप इन्हें घर तो ले जाएं लेकिन ज्यादा काम और स्ट्रेस नहीं। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर। अब बताओ बेटा क्या डॉक्टर साहिबा से पूछकर घर की तकरीबात रखनी होंगी? अम्मी जान आपकी सेहत होगी तो तकरीबात भी होंगी ना। बस लम्या मुझे जिंदगी की मोहलत दे, अभी तो मुझे फरदीन और निदा की खुशियां भी देखनी है। इंशाल्लाह। मेरा नाम दिया और मैं हां से निदा कहां थी तुम? वो मामा मैं शामिन के घर गई हुई थी। वो ठीक है मगर तुम्हें ये भी एहसास होना चाहिए था कि दादी को भी देखने जाने। मामा आई एम सॉरी ना, आपको जितना डांटना हो ना आप घर जाके आराम से डांट लीजिएगा, लेकिन अभी अपनी दादी से मिलूंगी। आई लव यू दादी। मैंने कितनी सारी दुआएं मांगी थी आपके लिए। जीती रहो बेटा। बेटा मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है बेटा। तुम्हें याद है बचपन में शबे बरात में तुमने पटाखों की जिद की थी और मैंने तुम्हें मना कर दिया था मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिद पूरी कर दी। तुम पूरी रात पटाखे चलाती रही और मैं कुड़ता रहा क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिद पूरी कर दी थी। बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर जिद की चिंगारी भर दी और मुझे डर है कि ये चिंगारी तुम्हारे तुम्हारे बसे बसाए घर को जलाकर राख ना कर। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ बेटा तुम ये जिद की आदत छोड़ दो। अबू मैंने कोई गलत जिद तो नहीं की ना, हर लड़की कुछ अरमान होते हैं कुछ ख्वाहिशात होती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी डोली सजे मेरी बारात आए। अब उनकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटा मैं जानता हूँ ये सारी बातें, मुझे पता है। खुशियां मनाने के लिए पूरी उम्र बाकी है बेटा और तुमने और साथ ने तो अभी बहुत सारी खुशियां देखनी है। लेकिन शादी तो एक बार होती है ना अबू, और दुल्हन भी एक ही बार बनना है, और अगर ये सब कुछ ऐसे ही होना था बिल्कुल यतीमों की तरह तो मुझ में और बच्चों में फर्क क्या रह गया बताएं?